जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कल आया है इंडियन क्रिकेट टीम का होम शेड्यूल। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि अगले लगभग 10 महीने में क्या मैचेस रहने वाले हैं, किस किस टीम से मैच हैं, कहाँ कहाँ हैं, उस बारे में बात करेंगे। तो वैसे तो ये होम शेड्यूल है, लेकिन मैं बात करूँगा पूरे 10 महीने के अगले शेड्यूल की। तो बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैचेज होम में भी हैं, लेकिन कुछ मैचेज ऐसे हैं जो साउथ अफ्रीका में हैं या एशिया कप भी है, तो उनकी बात करना भी जरूरी है। तो आइए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं। बात करेंगे टोटल इंडिया कितने वनडे खेल रहा है, कितने टी20 खेल रहा है और कितने टेस्ट खेल रहा है। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कहीं ना कहीं यहाँ से लेके लगभग मार्च के एंड तक भारत अपना ये है कि 60 टेस्ट खेलेगा, जिसमें टेस्ट मैच काफ़ी कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं वनडे वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप पे ज़्यादा फोकस है। इसलिए वनडे है करीबन 26। अगर मैं बात करूँ, आपको पता है वनडे वर्ल्ड कप बस कुछ ही महीनों दूर है और एशिया कप भी साथ ही साथ है। इसके सिवा अगर मैं बात करूँ तो 23 टी20 आई भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगले साल जून में खेला जाएगा ICC टी20 वर्ल्ड कप, जस्ट अप्रैल और मई के IPL के बाद। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो शुरू करते हैं लेखा जोखा कि कहाँ कहाँ मैचेस हैं और कौन कौन सी डेट्स पर हैं। आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, अभी भारत वेस्ट इंडीज़ में खेल रहा है, जिसमें अपना मैंने आपको बताया था ये चीज़ पहले भी कि 27, 29 और 1 अगस्त को भारत अपना 3 वनडे खेलेगा, जिसमें अपना ये है कि मुझे ध्यान है कि 2 मैच बारबाडोस में खेलेगा और 1 मैच ट्रिनिडैड में खेलेगा। इसके बाद अपना ये कि 3 अगस्त से भारत की सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़ से, अपना 5 टी20 मैच होगी, जिसमें मैं बात करूँ तो पहले अपना 3 को ट्रिनिडैड में खेलेगा, फिर 6 और 8 को गयाना में खेलेगा और 12-13 को USA के फ्लोरिडा में खेलेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो इससे एंड होगा वेस्ट इंडीज़ के टूर का और फिर भारतीय टीम जाएगी आयरलैंड, जो कि एक बिल्कुल नई टीम जाएगी, जिसमें अपना ये कि 18 अगस्त, 20 अगस्त और 23 अगस्त को 3 20 भारत आयरलैंड में खेलेगा अपना मालीदेव स्टेडियम में। अगर हम बात करें, यहाँ पे भारत पहले भी 2 बार खेल चुका है, 2018 में और 2022 में। तो हार्दिक पांड्या तब कप्तान थे, लेकिन इस बार कप्तान कोई और हो सकता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या हमारी मेन वर्ल्ड कप टीम में भी है। अब मैं बात करता हूँ उसके बाद क्या है। तो आपको पता है कि इसके बाद लगभग 30 अगस्त से वैसे एशिया कप का आगाज़ है, लेकिन भारत का जो आगाज़ है वो 2 सितंबर से होगा, जो आपको पता है हमारे आर्च राइवल पाकिस्तान से है। फिर 4 तारीख को मैं नेपाल से, ये कैंडी में खेले जाएंगे। इसके बाद भारतीय टीम का मैच मुझे कहीं ना कहीं लगता है 6 सितंबर, 10 सितंबर और 14 सितंबर को होगा, जिसमें पाकिस्तान से 10 सितंबर को होगा और 6 और अपना 14 को यह कि श्रीलंका से होगा और साथ ही साथ 1 होगा अफगानिस्तान या बांग्लादेश से, ये भी अपना कैंडी और कोलंबो में ही होगा। और फिर 17 सितंबर को फाइनल है, जो कि हम उम्मीद करते हैं भारतीय टीम आए, सामने जो भी हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, उनको भारतीय टीम ज़रूर हराए। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसके जस्ट बाद दोस्तों लगभग बस 3-4 दिन का आराम होगा और 22 सितंबर को मोहाली, फिर 24 सितंबर को इंदौर और 27 सितंबर को राजकोट, यानी 3 वनडे भारतीय टीम खेलेगी, यानी जिन्होंने हमारा दिल तोड़ा था, यानी आप समझ जाएंगे कौन, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस 2021-23 के आप समझ गए होंगे ऑस्ट्रेलियन टीम। तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका फिर से प्रिपेयर करने का, क्योंकि मार्च में भी हमें ऐसे ही हैं तो 1 से वो हरा के गए थे। तो और आपको पता है कि जो हमारा वर्ल्ड कप का काउंट डाउन है वो भी उनके सामने स्टार्ट है। वैसे तो वर्ल्ड कप अपना ये कि 5 अक्टूबर से है, लेकिन हमारा जो पहला मैच है वो 8 अक्टूबर को है, आर्च राइवल पाकिस्तान से 15 अक्टूबर को है और लगभग ये सिलसिला चलेगा 11 नवंबर तक, जब ग्रुप स्टेज के 9 मैच होंगे, जिसमें सबसे हम खेलेंगे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, नीदरलैंड और मैं साथ ही साथ बात करूं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और फिर हम उम्मीद करते हैं हम सेमीफाइनल में भी आएं, जो 15-16 को होंगे, और 19 तारीख को फाइनल में भी खेलें और अपना जीतें भी तीसरी और वर्ल्ड कप और हम सब बोलेंगे चक दे इंडिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, लेकिन यही बात खत्म नहीं होती है। इसके बाद अगर बात करूं तो जस्ट 3 दिन के आराम के बाद ऑस्ट्रेलिया आएगा, जिसमें अपना ऑस्ट्रेलिया ये 23 नवंबर, 26 नवंबर, 28 नवंबर, 1 दिसंबर और 3 दिसंबर को 5 टी20 खेलेगा, जो कि मैं बात करूं वाइजैग में, तिरुवनंतपुरम में, इसके सिवा गुवाहाटी में, नागपुर में और हैदराबाद में मैच खेले जाएंगे। इसके जस्ट बाद भारत साउथ अफ्रीका जाएगा, जिसमें 10, 12 और 14 दिसंबर को 3 टी20 खेलेगा, 17, 19 और 21 दिसंबर को खेलेगा 3 वनडे और उसके बाद 26 से 30 पहला टेस्ट, जो कि 154 दिन के बाद भारत टेस्ट खेलेगा, काफ़ी लंबे समय बाद ऐसा होगा। तो टेस्ट क्रिकेट को काफ़ी तवज्जो दी जाती है, दी अभी भी जाती है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि वक्त की अपना जो सही समय होता है हर चीज़ का, तो अभी सही समय यही है कि अभी टेस्ट क्रिकेट ना खेली जाए। उसके बाद अपना 3 से 7 जनवरी को जो 2024 का पहला मैच होगा वो अपना दूसरा टेस्ट होगा साउथ अफ्रीका में। तो उम्मीद करते हैं कि हम पहली बार वहाँ टेस्ट सीरीज जीतेंगे, अपना सेंचुरियन और केप टाउन में खेले जाएंगे। इसके बाद पहली बार दोस्तों भारतीय टीम करेगी अफगानिस्तान की मेज़बानी, जो कि अपना 3 मैच खेले जाएंगे 11 जनवरी, 14 जनवरी और 17 जनवरी, जो कि अपना खेले जाएंगे मोहाली, इंदौर और बेंगलुरु में। फिर जो एक सबसे मोस्ट अवेटेड टेस्ट सीरीज आएगी वो आएगी 5 मैच होगी, जब इंग्लैंड यहाँ आएगा, जिसमें अपना ये कि 25 जनवरी से उसका आगाज़ है। पहला मैच जितना मुझे याद है वो हैदराबाद में खेला जाएगा 29 जनवरी तक, फिर 3 दिन का आराम है, फिर 2 से 6 फरवरी तक लगभग एक दूसरा मैच खेला जाएगा जो कि वाइजैग में होगा यानी विशाखापट्टनम में, फिर लगभग लंबा 8 दिन का आराम है तीसरे टेस्ट के मैच के बीच में और वो खेला जाएगा 15 से 19 फरवरी तक, जो कि खेला जाएगा राजकोट में, फिर 3 दिन का आराम है,
फिर अपना इसके बाद ये है कि जो अगला मैच खेला जाएगा वो रांची में खेला जाएगा धोनी के शहर में 23 से 27 फरवरी तक। फिर अपना ये लगभग 7 दिन का आराम है और आखिरी जो टेस्ट मैच खेला जाएगा फिफ्थ टेस्ट वो खेला जाएगा 7 से 11 अपना मार्च तक, जो कि खेला जाएगा धर्मशाला में। इसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या अगले 20 दिन में भारतीय टीम T20 और वनडे श्रृंखला करवा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय टीम 3 मैचों की कम से कम वनडे सीरीज़ खेलती है और 3 से 5 मैचों की T20 सीरीज़। तो 5 जो T20 मैच की श्रृंखला है वो लगभग 10 दिन लेती है और 3 मैच की वनडे श्रृंखला लगभग 1 हफ्ता लेती है, यानी ये होगा 17 दिन। क्योंकि कहीं ना कहीं 30 मार्च से IPL भी है, तो लगभग 11 से फिर 3 दिन का आराम, 14 और 31 17 दिन, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उसका शेड्यूल अभी नहीं आया क्योंकि वो पक्का नहीं किया गया। और फिर आपको पता ही है कि अप्रैल मई में तो IPL होगा ही, अपना 74 मैच होगा, और अपना जो जून होगा उसमें अपना ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 होगा। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा आपको सारा शेड्यूल देखने में। बाकी जब जब ये मैचेज होंगे तो उनको कवर करना ही है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन बस इसमें मेन ये है कि हाँ, एक चीज़ और बीच में रह गई थी, जो अक्टूबर है वहाँ एशियन गेम्स भी होंगे जो T20I होंगे, जिसमें 2 मैच होंगे भारत के ग्रुप स्टेज में, और उम्मीद करते हैं भारत सेमीफाइनल में भी आएगा, फाइनल में भी आएगा और मेडल भी जीतेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो अपना जैसा कि मैंने कहा कि 26 वनडे हैं, साथ ही साथ 23 T20 हैं और 60 टेस्ट में, तो 56 में से हम उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैचों में भारत को जीत मिले, सारे खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें। और मेन बात यह है कि भारतीय टीम ICC वर्ल्ड कप जीते तो सबसे ज़रूरी है, एशिया कप जीते, एशियन गेम्स में मेडल जीते, अपने घर में जाके T20 श्रृंखला, वनडे श्रृंखला, टेस्ट श्रृंखला जीते, बाहर भी जाके जीते, यही हम सबकी जो है दिल से है दुआ। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी आपको वीडियो। अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बाकी जब अपना ये सब मैच होते रहेंगे तो इनका हाल मैं आपको बताता रहूँगा। मिलेंगे जल्दी, चक दे इंडिया।